एंड वेलकम गाइस, टेक्निकल एस के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थीम्स डाउनलोडिंग के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, थीम्स को कैसे डाउनलोड करते हैं आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा। जैसे कि गाइस देखिए, मैं थीम्स पे बनाता हूँ और उसके जो मैं लिंक देता हूँ थीम्स डाउनलोड का वेबसाइट का, ठीक है। तो वेबसाइट से आपको जाके डाउनलोड करनी रहती है, तो वो काफ़ी लोग तो जानते हैं कि कैसे डाउनलोड करते हैं और कैसे, काफ़ी सारे कमेंट्स ये भी आते हैं कि भाई इसके ऊपर वीडियो बनाओ कि कैसे डाउनलोड करते हैं। तो गाइस जाहिर सी बात है, कुछ लोगों को पता है कुछ को नहीं, तो फाइनली मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जिनको नहीं पता डाउनलोड करना कैसे डाउनलोड करते हैं वेबसाइट से थीम्स को, मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये मान लीजिए ये जो है मेरी वेबसाइट, मैंने थीम्स डाली और ये लिंक मैंने उसमें डाला है, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसलिए जैसे ही आप थीम्स में जा डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे वीडियो के लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको सीधा क्रोम ब्राउज़र में यहाँ पर खुलेगा। तो मैं इसको क्रोल कर दिखा देता हूँ, सीधा डायरेक्टली कुछ यहाँ पे आपके जो वो खुलने वाली है वेबसाइट, ठीक है। यहाँ पे आपको ला के रखेगा, आपको सबसे लास्ट में चले जाना है। जैसे लास्ट में जाएंगे तो यहाँ पे लिखा आएगा आई एम ए नॉट रिवर्ट, ठीक है। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो राइट का निशान बन के आ जाएगा, ठीक है। कभी कभी गाइज क्या होता है कि इसकी जगह कुछ और बन के आ जाता है, तो गाइज आपको इमेजेस आती है तो वहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है कि कार वगैरह, तो वो इमेज, चार इमेज सेलेक्ट करनी रहती है, नाम लिखा हुआ रहता है कि इस चीज़ की इमेज लिखो, तो चार सेलेक्ट करते हैं तो हमारा जो कैप्चर फिल हो जाता है, ठीक है। ज़्यादातर तो यही आता है, आपको प्रॉब्लम नहीं हो। अगर ये नहीं आता है तो एक बार दोबारा ट्राई कर लेते हैं, आ जाता है, ठीक है। अब फिर से आपको लास्ट में चले जाना है। जैसे ही आप लास्ट में जाओगे तो यहाँ पर आपका टाइमिंग चलता है ये 14 सेकंड तक का, तो ये मेरा ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब ये गेट जेटिंग लिंक पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर बैक बटन दबा देना तुरंत, ठीक है। यहाँ पर जाके फिर से आपको क्रोम ब्राउजर में पहुँच जाना है। इससे क्या होगा, दोबारा से गेटिंग लिंक पर क्लिक करना है और ये सीधा आपको ड्राइव में ले जाएगा, ठीक है। ड्राइव में ले जाएगा और यहाँ पे आपकी जो थीम्स है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो गाइस देख सकते हैं जो मेरी थीम्स है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई है और डायरेक्टली ये थीम डाउनलोड हो जाएगी। और उसके बाद गाइस क्या रहता है कि कुछ को ये थीम्स कभी तो वो सीधा फाइल मैनेजर में चली जाती है और कभी क्या होता है फाइल मैनेजर में नहीं जाती। तो अभी हम देख लेते हैं ये फाइल मैनेजर में गई है या नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा आया इज नॉट सपोर्टेड। तो गाइस इससे आप ऐसा ना हो, इसका मतलब ये नहीं कि सपोर्ट नहीं कर रही है, ठीक है। सपोर्ट कर रही है, लिखा हुआ है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कमेंट कि नॉट सपोर्टेड बता रहा है। तो गाइस देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं देख लेता हूँ डाउनलोड फोल्डर में आई है या नहीं आई है। तो यहाँ पे मेरा डाउनलोड फोल्डर कहाँ है, 13। तो गाइस यहाँ पे देखिए थीम्स नहीं आई है, ठीक है। अब हमें करना क्या कि हमें जाना है अपने ड्राइव में, ड्राइव के फोल्डर में। ड्राइव के फोल्डर में जाएंगे तो यहाँ पे हमें वो थीम्स हमने डाउनलोड की थी वो यहाँ पे मिल जाएगी। उस पर थोड़ी देर हमें दबाए रखना है। तो देखिए, और यहाँ पे आपको डाउनलोड ऑप्शन मिल जाता है, सीधा डाउनलोड करना है। यहाँ से आपकी एमवी नहीं जाएंगी, बस यहाँ से फाइल सेव हो जाएगी आपके फाइल मैनेजर में। देख सकते हैं हमारी जो थीम्स थी वो यहाँ पर शो करने लगी और डाउनलोड हो गई। तो ऐसे ही आप अपने मेरी वेबसाइट, जो मैं वेबसाइट का लिंक देता हूँ सीधा, उसी तरीके से आप किसी भी थीम्स को डाउनलोड कर सकते हो। कुछ भी नहीं करना, बस ऐसे ही आपको डाउनलोड करनी है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।